ओके गूगल, लाइट्स ऑन, दिस इज गुड। सो हेलो गाइस, एंड वेलकम बैक टू द टेक्नो श्री चैनल, और मैं श्रीराम पांडे आपका फिर स्वागत करता हूं एक और ईवी रिलेटेड वीडियो में। ये मेरे चैनल का आई गेस थर्ड ईवी वीडियो है, अ काइंड ऑफ, यस आई गेस। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला स्कूटर्स के बारे में, और आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में उनके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। फाइनली अभी 15 सितंबर से उनकी मींस सेल भी स्टार्ट हो गई है। कितना चार्ज कर रहे हैं, कैसे चार्ज कर रहे हैं, आज इस वीडियो में मैं सब कुछ इस बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से वीडियो को लाइक कर दिए, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, एंड लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं इन स्कूटर्स के स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो पहले स्पेसिफिकेशन को अगर देखें तो भाई ओला ने सच में कमाल का स्कूटर बनाया हुआ है। भाई आपको क्या मस्त स्टोरेज मिल जा रहा है उसमें, आपको बहुत ही अच्छी बैटरी मिल जा रही है, रेंज बहुत अच्छा आपको मिल जाता है, कमाल का डिजाइन, बहुत अच्छे तरीके से ओला ने स्कूटर को डिजाइन किया। अगर मैं बात करूँ रेंज की तो इसमें आपको ओला S1 Pro में आपको 180 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है, आपको 150 तक अप्रॉक्सीमेटली मिल जाना चाहिए। और इसके अलावा ओला S1 पे कंपनी 121 किलोमीटर क्लेम करती है रेंज, सो आपको अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर तो आपको आराम से मिल ही जाना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ तो भाई इनके फास्ट चार्जर्स के बारे में कहा जा रहा है कि भाई आप 15 मिनट आप चार्ज करके अप्रॉक्सीमेटली आप 70 किलोमीटर तक आप लेके जा सकते हैं बाइक। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ होम चार्जर की तो 6 आवर्स के अंदर आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, आपको एक अच्छा कन्वीनियंट बाइक मिल रहा है। इसके अलावा मूव OS जो ओला ने खुद डेवलप किया हुआ है वो उसमें मिल रहा है। इसके अलावा अच्छा कंप्यूटर अंदर मिल जा रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई बाइक आपको सुपर्ब मिल रही है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ मिल रही है। अभी तो भाई ओला ने किसी को भी ये बाइक दी नहीं है, ना ही टेस्ट ड्राइव करने के लिए, ना ही रिव्यू करने के लिए। ये बाइक अभी मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों ने इसे कहीं ना कहीं पर स्पॉट किया होगा टेस्ट ड्राइव के दौरान, बट स्टिल अभी ये अवेलेबल नहीं है। बट ऑन पेपर्स द स्पेक्स आर जस्ट अमेजिंग, जस्ट किलर। अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो यार हर स्टेट में इसकी प्राइस अलग अलग है, मतलब कंसिडरिंग कि भाई उस स्टेट की फेम पॉलिसी या उस स्टेट की इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके पॉलिसी क्या कहती है। मैं स्क्रीन पे आपको कुछ लिस्ट दिखा रहा हूँ कि इन सब स्टेट्स में क्या होगी इसकी प्राइस। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में 1,00,000 रुपये है ओला S1 की प्राइस, 99,999। और अगर मैं बात करूँ S1 Pro की तो वो है 1,30,000 की अप्रॉक्स। अब गाइस हम आते हैं रियलिटी पे कि रियलिटी में ये बाइक्स कितने की सोल्ड हो रही हैं। सो गाइज, अभी 15 सितंबर से इसकी सेल स्टार्ट हो गई, और बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने प्री बुक किया हुआ था उन लोगों ने भाई जाके मतलब एकदम धमाल ही मचा दिया। ओला ने कहा जा रहा है कि एक ही दिन के अंदर 600 करोड़ रुपए का बिजनेस किया सिर्फ बुकिंग के थ्रू। यार इट्स जस्ट अमेजिंग। ओला क्या कर रही है, सिंपली बस जिन लोगों ने पहले रिजर्व किया हुआ था उन लोगों को लिंक भेज रही है, ईमेल के थ्रू ये लिंक्स जा रही हैं, और उस पर टैप करके आप जाके आप अपना बाइक को आप बुक कर सकते हैं। आपको बुकिंग मनी 20,000 रुपीज एडवांस आपको देना है और उसके बाद आपकी बाइक बुक हो जाएगी। सो जिन लोगों ने अभी 15 को बुक किया है उन लोगों को 18 अक्टूबर के आसपास उन्हें डॉक्यूमेंटेशन और रिमेनिंग अमाउंट उन लोगों को पे करना है। पेमेंट के बाद अप्रॉक्सीमेटली नवंबर के फर्स्ट वीक में या अक्टूबर के लास्ट वीक से ही वो लोग डिलीवरी को स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। अब अगर मैं बात करूं भाई पेमेंट कितना लिया जा रहा है एक्चुअली में और कितना ऑन पेपर्स क्लेम किया जा रहा था, उसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं बात करूं ओला S1 की तो इसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 रुपीज ली जा रही है महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, जहां पे इसे 1,00,000 रुपीज क्लेम किया गया था। अब इसमें रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स वो लोग कंसिडर कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों है। आई मीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर फ्री फ्रॉम देम। इसके अलावा वो लोग फोर्सफुली आपको हेलमेट दे रहे हैं, आई मीन यू कैन नॉट डिनाई देम, वो हेलमेट आपको बेच रहे हैं, आपको हेलमेट का आपको प्राइस पे करना है 749 रुपीज, और कुछ कुछ स्टेट्स में 1,300 रुपीज है। अब ये वेरी कर रहा है आपके स्टेट के अकॉर्डिंग। महाराष्ट्र में कुछ कुछ लोगों को 749 में भी दिया गया और कुछ कुछ लोगों को 1,300 में भी दिया गया। सो यस, दिस इज वेरिएबल, बट आई गेस कि ओला को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओला को लाइक एक पोर्टल दे देना चाहिए था बिल्स अपलोड करने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास हेलमेट्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे तो वो परचेज नहीं करना चाहेंगे न्यू। और अगर मान लीजिए अगर ना भी हो तो भी फोर्सफुल मतलब अपना बेचना इज नॉट गुड। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट ने मैंडेट करके रखा हुआ है कि भाई आपको देना ही है,
बट दे शुड हैव ऑप्टेड कि भाई आप अपना बिल अपलोड कर दो. सो डैट्स वन थिंग. और इसके अलावा गाइज ओला आपको साथ में इंश्योरेंस दे रहा है विच इज अप्रोक्सीमेटली 6,600 के आसपास ओला आपको इंश्योरेंस दे रहा है. तो अगर आप वो इंश्योरेंस ओला से लेते तो ये प्राइस होगी, जिसमें 1 ईयर आपका डैमेज होगा और 3 ईयर्स का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा. बट इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप अलग से भी आप इंश्योरेंस आप ले सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप ओला की वेबसाइट से ले या ओला का ही इंश्योरेंस ले, आप किसी का भी ले सकते हैं. लेकिन आपको वंस आपने इंश्योरेंस लेके आपको उसका कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा ओला की वेबसाइट पे, वरना वो आपको डिलीवरी नहीं देंगे. सो दैट्स एन अनदर थिंग. अब अगर मैं बात करूँ तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली ओला S1 की प्राइस जो निकल के आती है वो 1,09,997 रुपीज, यानी कि 1,10,000 के अप्रॉक्स कुछ निकल के आ रही है. और अगर मैं बात करूँ भाई ओला S1 प्रो की, तो उसकी भी प्राइस कुछ अलग ही निकल के आ रही है. उसमें उन लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली कुछ 1,40,000 के आसपास वो लोग कुछ चार्ज कर रहे हैं. और इसमें भी आपको सेम 6,700 का आपको एक ये दिया जाएगा, क्या कहते हैं उसको, इंश्योरेंस दिया जाएगा. और 750 रुपीज़, या मैं कहूँ कि 1,300 रुपीज़, अब ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको आपका हेलमेट दिया जाएगा. अब गाइज अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की, तो यार मुझे प्राइसिंग मुझे थोड़ी सी मतलब इतू सी थोड़ी ज़्यादा लगी है. अगर मैं बात करूँ प्राइस अच्छी है, बट हाँ थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी, क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने लॉन्च इवेंट के टाइम पे उन्होंने एक शोरूम प्राइस बताई थी, और अब ऑन रोड प्राइस अब निकल के आ रही है. अगर मैं बात करूँ भाई चार्जिंग वगैरह की, तो इसकी चार्जिंग अच्छी है, फास्ट है. ओला अब देखना मुझे ये है कि ओला कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करता है फॉर चार्जिंग. लेकिन गाइज अब ओला S1 स्कूटर के जिस दिन उसका सेल स्टार्ट हुआ, उसी दिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कमाल की पॉलिसी अनाउंस कर दी है, जिससे सारे के सारे जो लोग जो महाराष्ट्र में खरीदना चाहते हैं ओला स्कूटर्स, वो लोग एकदम खुश हो जाएंगे. टाटा के नेक्सॉन ओन जो खरीदना चाहते हैं वो खुश हो जाएंगे. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी नई ईवी पॉलिसी 2021 को अनाउंस कर दिया है गाइज, जिसके अकॉर्डिंग अब आपको पर किलोवाट KWH वाली जो बैटरी होती है पर वाली, सो उस पे आपको 5,000 रुपीज पर किलोवाट पे आपको 5,000 रुपीज तक का आपको सब्सिडी आपको मिलेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से. ये बहुत अच्छी बात है गाइस. ये टू व्हीलर्स के लिए मींस कैप्ड है, और फोर व्हीलर्स के लिए 30 जो है साइज गाड़ी की साइज जो 30 है उस पे कैप्ड की गई है. सो अब अगर मैं बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग अब अगर मैं ओला S1 स्कूटर की अगर मैं प्राइस को अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 25,000 to 30,000 तक की आपको बेनिफिट्स आपको मिल जाती हैं. कैसे, तो आपको फेम 2 सब्सिडी भी मिलती है, इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो स्टेट सब्सिडी है वो आपको मिलती है. अब गाइस लेट मी टेल यू कि ये स्टेट सब्सिडी अगर आप टू व्हीलर ले रहे हैं तो उस पर 10,000 रुपये, यानी कि उस पर कैप कर दी गई है. अगर आपकी बैटरी है उससे ज़्यादा भी है तो भी आपको मिलेगी 10,000 रुपये ही, बट स्टिल कुछ तो मिल ही रहा है. सो उस हिसाब से अगर मैं अब नेट इफेक्टिव प्राइस की अगर मैं बात करूँ आफ्टर ऑल सब्सिडीज, सो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली कुछ 75,000 और मैं कहूँ 80,000 के आसपास समथिंग निकल के आ जाता है. और अगर मैं कंपेयर करूँ इसे एक्टिवा के साथ, तो एक्टिवा की करेंटली ऑन रोड प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 82 to 85 के आसपास समथिंग चल रही है. सो आपको ओला का S1 एक्टिवा से भी सस्ता मिल जाता है, अगर आप सब्सिडीज को आप एकदम प्रॉपरली कंपेयर करो, प्रॉपरली क्लेम करो तो. हाँ, अब गाइज ओला ने अपने बुकिंग के टाइम पे ये ऑलरेडी मेंशन करके रखा है कि अगर आपको सब्सिडी आपको क्लेम करनी है तो वो आपको अलग से जाके आपको वेबसाइट से आपको क्लेम करनी पड़ेगी. कहाँ से क्लेम करनी है, तो भाई महाराष्ट्र की स्टेट सब्सिडी, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट की ईवी व्हीकल वाली वेबसाइट से जाके क्लेम करनी है. और फेम टू वाली सब्सिडी आपको फेम टू की वेबसाइट से आपको क्लेम करनी है. वहां पर रजिस्टर करके आप अपना इनवॉइस अपलोड करके आप क्लेम कर सकते हैं. सो गाइज ये है सारे के सारे बेनिफिट्स. अब अगर मैं बात करूँ इसकी डिलीवरीज की, तो भाई इसकी डिलीवरीज नवंबर के फर्स्ट वीक या अक्टूबर के लास्ट वीक में स्टार्ट होने की ऐसा बताया जा रहा है. लेकिन गाइज एक और मैं बात जरूर कहना चाहूँगा, यहाँ पे मेंशन जरूर करना चाहूँगा कि अगर आप ओला का S1 अगर खरीदना चाहते हैं और अगर आप महाराष्ट्र में हैं, तो दिस इज द करेक्ट टाइम कि आप भाई उसे खरीद लो. द रीजन इज कि महाराष्ट्र ने जो ये स्टेट पॉलिसी जो अनाउंस की है ईवी पॉलिसी, ये सिर्फ दिसंबर 2021 के एंड तक ही है. और इसके अलावा भी दिसंबर 2021 के एंड के बाद बहुत सारी आपको बेनिफिट्स कम मिलेंगी अगर आप दूसरे स्टेट्स में भी हैं तो. हाँ, अगर मैं बात करूँ फेम टू सब्सिडी की, तो वो तो अभी भाई काफ़ी लंबी है और वो और एक्सटेंड होगा भी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि सिविलियंस इस पर अब माइग्रेट करें.
सो गाइज दिस इज अबाउट द ओला S1 स्कूटर. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपने अपना एक बुक किया और क्या आपको रिजर्वेशन के बाद आपको करने मिली? क्योंकि द सीन इज की बहुत सारे लोगों ने रिजर्व किया हुआ था, वो बार बार बेचारे जाके बुक करने का ट्राई कर रहे थे. मेरे पहचान में भी एक दो जन है जिसने ट्राई किया बट वो पूरी वेबसाइट एकदम क्रैश कर चुकी थी. यार SSC की वेबसाइट जितनी क्रैश नहीं करती उतनी इनकी ओला की वेबसाइट पूरी एकदम क्रैश कर चुकी थी. सो यस, ओला S1 का क्रेज दिखाई देने लग गया है अभी से. उन्होंने ऑलरेडी रिजर्वेशन के टाइम पे भी उनको 1 लाख से ज्यादा रिजर्वेशन मिली थी एक दिन के अंदर, और अभी बुकिंग के टाइम पे उन्होंने 600 करोड़ का बिजनेस कर लिया, वो भी सिर्फ एक दिन में, विच इज रियली अमेजिंग. सो इसी से पता चल जाता है कि हाँ भाई, आने वाले कुछ सालों में हमें EVs देखनी बहुत कॉमन हो जाएगी. पॉसिबली 2022 के एंड तक EVs वुड बी वेरी मच कॉमन, शायद IC व्हीकल से ज्यादा. तो मुझे EV ऐसा लग रहा है कि लोग प्रेफर करेंगे, बट स्टिल. सो गाइज, आपकी इस बारे में क्या थॉट्स है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. और गाइज, आप क्या सोचते हैं ओला S1 स्कूटर्स के बारे में? सो लेट मी नो, ओला S1 S1 Pro कौन सा आपका फेवरेट है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.